कई उदाहरण हमारे सामने हैं। कौन जानता था पोकर में क्रिकेट खेलने वाला लड़का साधु मेला जो बगल में है, एक समय क्रिकेट यहां भी खेलता था और देखते देखते चंद सालों में अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करवा दिया। उसके पास क्या था? उतना भी पैसा नहीं था कि क्रिकेट का किट खरीद सकता था। पिताजी का सहयोग नहीं था। जहां पर आज तो कम से कम आपके पिताजी आपके साथ खड़ा है, लेकिन उस लड़का के साथ उसके पिताजी भी खड़ा नहीं थे, वो भी उसके विरोध में थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। हाँ, तो बस उसका जुनून कुछ कर दिखाने का। और जब जुनून आपके साथ हो तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, आप उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है मेहनत, और कड़ी मेहनत, ईमानदारी से मेहनत। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का, जिसका बल्ला जब चला तो बॉल की दूरी को पूरी दुनिया ने देखा, और एक विश्वास के साथ जब खेल के मैदान में होते थे तो भारत का हिम्मत चार गुना हो गया। उन्होंने उन सभी परिस्थितियों को संभाला जहां पर परिस्थितियां बिल्कुल ही अनुकूल नहीं थी। विकेट गिरता जा रहा था, स्कोर काफी बड़ा था। यह वही व्यक्ति अपने दम पर भारत को वर्ल्ड कप दिलवा दिए। यानी एक व्यक्ति जब प्रयास करता है और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगन से मेहनत करता है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसको रोक नहीं पाती। और यही सबक आपको भी लेना है कि हम किस जगह से आए हैं, किस परिस्थिति से आए हैं, हमारे पास क्या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं रहता पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मदद करने वाले कई लोग मिलेंगे, और हर बहुत बुरी परिस्थिति में कोई ना कोई आपके सामने आकर चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा जो आपको सहयोग करेगा। वो जो उनको बल्ला देता था कोई सगा था क्या? नहीं था। अब एक बात गांठ मानकर याद रख लीजिए कि दुनिया में कोई ना कोई सुपर नेचर है। जब परिस्थितियां विपरीत ही एकदम बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, आप हतोत्साहित अगर नहीं होते हैं तो किसी ना किसी को मदद के लिए आपको जरूर भेजिएगा। वह कौन होगा, कहां से आएगा, किस रूप में आएगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन मदद के लिए जरूर आएगा। उनके जीवन से पूछिए, अगर कभी मुलाकात होती है तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब लगा था कि आगे कुछ नहीं होने वाला है तो कोई ऐसा व्यक्ति आया जो उनके मनोबल को बढ़ाया। तुम कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं।